नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त अमित, अमित सियाराम, द डायरेक्टर एंड फाउंडर ऑफ मॉडर्न इंग्लिश इंस्टीट्यूट भोपाल। अब अंग्रेजी बोलना आसान है दोस्तों। स्पोकन एक नया वीडियो लेके आया हूं, बहुत ज्यादा यूज होता है हमारी डेली बोलचाल में, डेली जब हम बात करते हैं इंग्लिश में, तो मैंने सोचा क्यों ना इस पर एक वीडियो बनाया जाए। दोस्तों जब आपको मजबूरी बताना पड़ जाए, कम ऑन, क्या बताना पड़ जाए, मजबूरी, कंपल्सन बताना पड़ जाए, तो आप हैव टू, हैज टू या हैड टू जैसे वर्ड्स का यूज करते हैं। सबसे पहले एक बात बता दूं कि हैज टू और हैव टू दोनों का यूज किया जाता है प्रेजेंट में, लेकिन आई वी यू दे के साथ किया जाता है गाइस। हैव टू और ही शी इट या किसी व्यक्ति की नेम के साथ लगाया जाता है हैज टू। क्या लगाया जाता है गाइस? हैज टू। एग्जांपल दूंगा, जैसे आपको बोलना पड़ जाए कि मुझे कपड़े धोने पड़ते हैं। क्या कहा आपने? प्रेजेंट का एक सेंटेंस है, मुझे कपड़े धोने पड़ते हैं। क्या लिखा गाइस? मुझे कपड़े धोने पड़ते हैं। तो आप क्या बोल देंगे गाइस? सब्जेक्ट लगाएंगे, हैव टू लगाएंगे और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो आप बोल देंगे मुझे को, क्या बोलेंगे? आई हैव टू, कपड़े धोने को बोलते हैं वॉश क्लॉथ। मुझे बर्तन मांजने पड़ते हैं, तो आप क्या बोल देंगे गाइस? आई हैव टू वॉश द डिशेस। जिन बर्तन में हम खाना खाते हैं परोसते हैं, उनको डिशेस कहा जाता है। तो आप बोल सकते हैं आई हैव टू वॉश डिशेस। लेकिन वहीं हम अगर अपन थर्ड वे के बारे में बात करें, हैज के बारे में, तो अपन उसमें हैज लगा देंगे। कैसे? अगर बोलना पड़ जाए मेरे भाई को पढ़ना पड़ता है, थर्ड डूअर है तीसरा व्यक्ति, तो अपन बोलेंगे माय ब्रदर हैज टू स्टडी। कम ऑन, क्या बोल देंगे गाइस? माय ब्रदर हैज टू स्टडी। पापा को ऑफिस जाना पड़ता तो क्या बोलेंगे? माय फादर हैज टू, माय फादर हैज टू। जाने के लिए हम बोलते हैं गो, तो हमारी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो जाएगी गो। माय फादर हैज टू गो, कहां जाना पड़ता है? टू ऑफिस। माय फादर हैज टू गो टू ऑफिस। कोई काम जो आप करना नहीं चाहते करना पड़ता है, हम लोग लगाते हैं हैज टू। मम्मी को खाना बनाना पड़ता है, मदर हैज टू कुक। अब बात करते हैं हैड। गाइस देखो, प्रेजेंट में हमने मजबूरी के लिए दो चीज लगाती है, तो हैज टू लगाते हैं या हैव टू, प्लूरल के साथ हैव टू और सिंगुलर के साथ हैज टू। लेकिन पास में एक बड़ी अच्छी बात है, कोई झंझट नहीं है, हैज टू लगाएं या हैव टू, डायरेक्ट आप लगा सकते हैं पास के लिए, हमेशा लगा सकते हैं हैड टू। क्या लगा सकते हैं गाइस? हैड टू। जैसे पहले सेंटेंस देखा था, मुझे कपड़े धोने पड़ते हैं, अगर इसी को पास में बोलना पड़ जाए कि अब आप बड़े हो गए, अब आपको कपड़े नहीं धोने पड़ते, तो आप क्या बोलेंगे? मुझे कपड़े धोने पड़े, मुझे कपड़े धोने पड़े, तो आप क्या बोलेंगे? सब्जेक्ट लगाएंगे, हैड टू लगाएंगे और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो आपने कहा मुझे कपड़े धोने पड़े, तो क्या बोलेंगे? आई हैड टू वॉश द क्लॉथ। ये इसको ऐसे भी बोल सकते हैं, मुझे कपड़े धोने पड़ते थे, मुझे कपड़े धोने पड़ते थे। कहीं देखो हिंदी में वेरिएशन आ सकता है, मुझे कपड़े धोने पड़ गए, मैं कपड़े धोना, मुझे कपड़े धोना पड़ता था, मुझे कपड़े धोने पड़े, इंग्लिश में एक ही होता है, बड़ा अच्छी बात है हैड टू। आपने कहा कि जैसे बोलना पड़े पापा को ऑफिस, अब पापा ने ना अपना बिजनेस स्टार्ट कर लिया, पापा को ऑफिस जाने की जरूरत नहीं है, लेकिन आप बता रहे कि मेरे पापा को ऑफिस जाना पड़ता था, आपने कहा पापा को ऑफिस जाना पड़ता था, तो सब्जेक्ट हो जाएगा पापा। तो पापा को, पापा एक इंग्लिश वर्ड है, पापा भी बोल सकते हैं, तो फादर या पापा, हेल्पिंग वर्ब या मेन वर्ब, आप हेल्पिंग वर्ब कौन सी लगा देंगे? हैड, तो क्या हो जाएगा? माय फादर हैड टू। कम ऑन, क्या हो जाएगा? माय फादर हैड टू। हैड टू क्या है? कंपल्सन बताने के लिए यूज किया जाता है, एक प्रकार का एटीट्यूड वर्ड। तो बोलना पड़ जाए पापा को ऑफिस जाना पड़ता था, तो बोलेंगे फादर हैड टू गो टू ऑफिस। मान लीजिए पापा को अभी भी ऑफिस जाना पड़ता, तो क्या बोलेंगे? फादर हैज टू गो टू ऑफिस। पापा को जॉब पे जाना पड़ता है, फादर हैज टू गो ऑन जॉब। लेकिन पापा को जॉब पे जाना पड़ता था, तो आप बोल देंगे फादर हैड टू गो ऑन जॉब। जैसे कि समझिएगा, एक स्टूडेंट है राइट, वो ना कल नहीं आया, दूसरे दिन आया। मैंने उससे पूछा, मैंने कहा बेटा आप कल क्यों नहीं आए? तो उसने, स्टूडेंट ने आंसर किया, सर एक्चुअली कल ना मुझे हॉस्पिटल जाना पड़ गया, मुझे कल हॉस्पिटल जाना पड़ गया। तो वो क्या बोलेगा? आई हैड टू गो टू हॉस्पिटल। आर यू गेटिंग द पॉइंट?
या मुझे हॉस्पिटल जाना पड़ा, तो क्या बोलेंगे? आई हैड टू गो टू हॉस्पिटल। तो पास्ट में अगर कोई मजबूरी थी या रही थी तो हम क्या लगा देते हैं गाइस? हैड टू। और प्रेजेंट में मजबूरी तो अपन लगाते हैं हैव टू। आपका कॉलेज एंड हो गया, आप बता रहे हैं मुझे ना कॉलेज डेली जाना पड़ता था, आई हैड टू गो टू कॉलेज, मुझे जल्दी उठना पड़ता था, आई हैड टू गेट अप अर्ली। लेकिन अभी भी कोई काम करना पड़ता है, मुझे पढ़ना पड़ता है, आई हैड टू स्टडी। अब जॉब पे जाना पड़ता है, आई हैव टू गो ऑन जॉब, यस नो। तो कंपल्सरी बताने के लिए अपन हैज टू, हैव टू और हैज टू का यूज करते हैं। अगर कोई डाउट है कमेंट करके जरूर बताइएगा, अच्छा लगा हो, आप चाहते हैं और भी लोगों की हेल्प करना, इस वीडियो को सारे दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। आपके शेयर में बहुत पावर दोस्त, यस नो। तो अपने पावर का यूज कीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा, नॉलेज को फैलाइएगा। इसी तरह कीप लाफिंग, कीप स्माइलिंग एंड कीप शेयरिंग आर वीडियोस एंड कीप वॉचिंग आर मॉडर्न शोज। बाय बाय।